राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई लगातार जारी है। दोनों पक्षों की सुनवाई कोर्ट में सुनी जा रही है। वहीं इस मामले पर बुधवार को मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर 1949 को जो गलती हुई, उस गलती को लगातार जारी नहीं रखा जा सकता। आपको बता दें कि 23 दिसंबर 1949 की सुबह यह बात पूरे अयोध्या में फैल रही थी कि भगवान राम प्रकट हो गए हैं। भगवान राम बाल रूप में जन्मभूमि स्थान मंदिर के गर्भगृह में पधार चुके हैं। भगवान राम की बाल रूप वाली मूर्ति रातों रात स्थल पर प्रकट हो गई थी। प्रकटे स्थल के पास सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, जो दोपहर तक बढ़कर करीब 5,000 तक पहुंच गई। अयोध्या के आसपास के गांवों में इसकी घोषणा कर दी गई थी। मंदिरों में शंख बजाए गए थे और श्रद्धालुओं की भीड़ बाल रूप के प्रकट हुए भगवान के दर्शन के लिए टूट पड़ी थी। पुलिस और प्रशासन भौचक्का थे। वहीं इस मामले पर बुधवार को हुई सुनवाई में वकील धवन ने कहा कि 22 दिसंबर 1949 की रात मस्जिद के गुंबद के नीचे मूर्ति रखी गई थी, ना कि वह प्रकट हुई थी। ऐसा करना गलत था। जनवरी 1950 में मजिस्ट्रेट द्वारा इस गलत चीज को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाता है। 1950 में मजिस्ट्रेट में अयोध्या स्थल में रखी गई मूर्ति को हटाने के आदेश नहीं दिए। वकील ने कहा कि तो क्या गलती को जारी रखा जा सकता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इस आधार पर कोई उस जगह पर अपना अधिकार का दावा कैसे कर सकता है। दूसरे पक्ष को यह साबित करना होगा कि 22 दिसंबर को रात से पहले क्या हुआ था। साथ ही मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि क्या रामलला विराजमान कह सकते हैं कि उस जमीन पर मालिकाना हक उनका है। सुनवाई के 21वें दिन मुस्लिम पक्षकारों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष कहा कि पीठ को महज 2 बिंदुओं पर विचार करना है। पहला, विवादित स्थल पर मालिकाना हक किसका है, और दूसरा, क्या गलत परंपरा को जारी रखा जा सकता है। साथ ही धवन ने निर्मोही अखाड़े के बात का विरोध करते हुए कहा कि सेवादार के अलावा अन्य चीजों पर उनका दावा नहीं बनता, क्योंकि वे मालिक नहीं हैं, वे सिर्फ सेवादार हैं, और सेवादार और ट्रस्टी में फर्क होता है। बुधवार को अयोध्या मामले में सुनवाई महज 1.5 घंटे चली। अभी इस मामले में सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि अयोध्या भूमि मामले का ट्रायल चला रहे विशेष जज एसके यादव के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएं भी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने बताया कि इसके लिए जरूरी आदेश पारित किया गया है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। Patreon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पेट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पेट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पेट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पेट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।